गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोग आए थे वीस्टोन सिटी में और हमें घंटा कुछ नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब चार साइड टीम गैलेक्टिक है, हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने कब्जा किया है कि नहीं। तो मैंने सोचा पहले जिम में चलते हैं और यहाँ पे हमें मिल गए लूकस। ओके हाँ भाई, हम जिम लीडर को टेक डाउन करने जा रहे हैं। अच्छा भाई सही बोल रहा है वैसे तू। अच्छा वैसे देख के तो लगता नहीं तू कुछ काम करता है। अच्छा चल निकल, तू जा ना भाई, ये तू जा रहे। चलो अपन अभी अपन भी चलते हैं वहाँ पे। मैंने एक टीम गैलेक्टिक की बड़ी सी बिल्डिंग देखी थी ना, हाँ यहीं पे जाना है मुझे। अब पहले सोचा कि जिम लीडर को बाद में आएंगे पहले। हाँ ठीक है, इनने बैटल नहीं किया। यहाँ पे एक साइंटिस्ट सर जी है, इनसे बात करते हैं। टीम गैलेक्टिक कंडक्ट सा ओके। यार इनने भी कुछ नहीं बताया यहाँ इंसान। अबे यार क्या 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 घटिया पॉलिसी है यार तुम्हारी, कुछ ज़्यादा घटिया पॉलिसी नहीं है तुम्हारी, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये टीम ओ भाई टीम गैलेक्टिक का हेडक्वार्टर है ये, उनने कब्जा नहीं किया है। आई थिंक उनका हेडक्वार्टर पहले से यहीं पे था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सिनो नहीं देखी, कितने बार बताऊँ मैं। और उस गेट को खोलने के लिए एक स्पेशल की चाहिए। और इस साइड भी हम जा सकते हैं और वहाँ पे ग्रीन ग्रीन है ना, मुझे आई थिंक टेलीपोर्टर है। के गाइस मैंने वहाँ पे बहुत मेहनत की, मतलब बहुत ढूंढा यार, और वो टेलीपोर्टर था ही नहीं, सारा कुछ नहीं था यहाँ पे। और गाइस मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर में देख लिया, अच्छा है, मतलब पूरा घूम के आया हूँ फिर नीचे देखा मैंने। तो अब यहाँ पे रिवाइव है, 3 रिवाइव ले लेते हैं और बाकी और चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 14-13 पोशन तो है ही अपने पास, सुपर पोशन लेना नहीं है। उन वाली दीदी पे भी चल के देख लेते हैं उनके पास क्या है। चलिए दीदी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आई थिंक पोकेबॉल्स होंगे और रिपल ये सब। हाँ अपने कुछ काम करें भाई, पोके डॉल थी वहाँ पे। गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि पोके डॉल क्या काम करती है, मुझे भी नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं यार, सारा सामान ले लिया है। और भाई ये वीलस्टोन सिटी पूरे पत्थर की बनी है गाइस, और ये सच में काफ़ी अजीब सी सिटी है। तुम लोग को नहीं लगता इसका मैप काफ़ी अजीब है, या फिर मुझे ही लगता है? और इसका जिम भी मुझे नहीं पता। अच्छा तो यहाँ पे लकड़ी के प्लैंक्स लगा बोल रहा हूँ। अच्छा अरे क्या है यार, वो डोर टाइप है ना, उन्हें लगा के मतलब हटा के या लगा के आगे जाना है, समझ गया। लेकिन सीरियसली यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। और मैंने सोचा सबसे पहले फाइटिंग टाइप है तो अपन को उसे स्टील विंग सिखा लेना चाहिए अपने स्टार्क को, है ना। चलो स्टार्क जल्दी से सीख जा स्टील विंग। यू बुट टट्टी है ओके, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टील विंग वर्लविंड हटा दो भाई, एंडेवर तो बहुत काम का है ना, जितनी अपनी हेल्थ हो जाती है होती है उतनी दूसरे की हो जाती है। तो एंडेवर तो तुम लोग भी रखा करो, सच में कभी लेजेंडरी पोकेमॉन से लड़ रहे हो और तुम्हारे पोकेमॉन की हेल्थ बहुत कम है, एंडेवर मार दो। और वो तो वैसे भी वाइल्ड होते हैं, आई मीन क्या है? लेकिन वो मैक्स पोशन और पोशन तो यूज़ कर नहीं सकते ना, तो वो मर जाएंगे फिर। वैसे उनके पास अटैक भी तो होते हैं बहुत सारे जिनसे वो हील करते हैं। कोई बात नहीं, अभी जिम का देखते हैं, जब हम लोग को मिलेंगे लेजेंडरी पोकेमॉन तब उनका देखेंगे। ठीक है भैया जी, मुझे आपसे बैटल करना है। अरे पीछे तो मुड़िए, साला जब मैं भाग रहा था तभी आ गया, कैसे इंसान हो यार तुम, क्यों हो तुम एकदम। चलो अभी हमें आगे करना है यार, बहुत टफ है यार ये सच में, मुझे लग गए 10-15 मिनट और मैंने कभी पहले किया नहीं है। जिन बंदों का एक्सपीरियंस है, मतलब जिनने खेला होगा डायमंड एंपल, उन्हें पता होगा इसे स्वैप करना है फियर्स से, क्योंकि इसका लेवल अप करना है भाई। अपन को ये छोटा रह जाएगा, उसके पक्का 30-30 के होंगे, मतलब उसके पास लुकारियो रहता है एक, इतना मुझे पता है, और लुकारियो 30 लेवल का रहता है और अपना तो एक भी अभी 30 का नहीं है। ओके 1800 पुके, एक सेकेंड सीरियसली लग्जियो इज इवॉल्विंग, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता था 36 पे होगा, लेकिन भैया ये लग्जरी इतना जल्दी बन गया भाई, क्या कूल है यार लग्जरी, एकदम ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, और कूल भी लग रहा है एकदम, लेकिन ये क्यूट नहीं है ये सिर्फ कूल है, तब की लग्जरी और सिम्स क्यूट थे। लेकिन गाइस मैं फिर बताता हूँ, मुझे क्यूट से कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कूल से फ़र्क पड़ता है। ओके शायद क्या हम यहाँ से जा सकते हैं, ओके अंदर चलते हैं, ना नहीं जा सकते गाइस, मैं थोड़ा दिमाग लगाया नहीं जा सकते। ओके यहाँ से मैं हटाने की फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ गाइस, कुछ नहीं, हमारा चुकंदर काटा जा रहा है गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब फालतू है। ओके अभी ओके आई थिंक ये हटने वाला है, ओके गाइस हट गया। सो गाइस अब मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिम लीडर को मुझे हराते हुए देखो गाने।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. सो गाइज आई एम बैक और दीदी आपको कैसा लगा हार के? और ज़रा देखे तो इनने कॉबल बैच नाम तो काफ़ी ठीक ठाक है और मैंने तो इनका नाम भी नहीं देखा था। इनका नाम है मेलिन, मतलब खेल तक देख लिया था लेकिन अभी नहीं देखा। और गाइज अब हम फ्लाई यूज़ कर सकते हैं। ओके यू ऑप्टेन TM60 क्या है यहाँ पे? बाद में SQ लगाते हैं, बहुत सारे TM देते हैं क्या? और गाइज एक बंदा बोल रहा था टीम गैलेक्टिक का कि यहाँ पे तुम लोग को फ्लाई मिलेगा, तो गाइस अभी ढूंढते हैं थोड़ा फ्लाई। और यहाँ पे एक सेकेंड, टीम गैलेक्टिक का वेयरहाउस भी तो था वहाँ बगल में, वो तो अपन ने चेक ही नहीं किया, पक्का वहाँ पे कुछ होगा। हाँ क्या थी? ओके भाई तेरे लग गए, तेरे बहुत बुरे वाले लग गए। और अब हम लोग को वेयरहाउस के पास ही जाना है। अच्छा चल चलते हैं भाई। भाई मैं तेरी हेल्प क्यों करूँ? तूने अब तक मेरे लिए कुछ किया है? कुछ किया है नहीं, कभी सोचा पानी वानी पिला दूँ? कुछ किया तूने अपने दोस्त के लिए? अबे मैं तेरा दोस्त भी नहीं हूँ, तू निकल भाई, मैं नहीं कर रहा है भाई। वो करनी पड़ गई वहाँ पे, गेम वाले कह रहे हैं तो मैंने नो दबा के देखा, कह रहे हैं अबे पुंडे में डंडे मारेंगे, कर लो तुम्हारी पूरी सीरीज बंद करवा देंगे, चैनल डाउन करवा देंगे। भाई मैंने सोचा चलो फिर कर लेते हैं भाई, चैनल डाउन नहीं करवाना, पुंडे में डंडे किसी को नहीं खाने, है ना गाइस? आप लोग को भी पता है ना, वहाँ नीचे चलते हैं। ओके यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ से तो नहीं जा सकते डीएम, यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ चलते हैं। मैं सोच रहा था अभी भी कि वो बगल वाले घर की की मिलेगी, क्या ये वो की है? अरे फ्लाई मिल गया, ठीक है अच्छा है, लेकिन मुझे की की ज़्यादा तलाश थी, तो शायद अब हम लोगों को दूसरी सिटी में ही मिलेगी। और आगे जाते हैं। ओहो व्हाट वी आर साले, अच्छा पेस्टोरिया सिटी में ही होगा। इस गेट को एक बार खोल के ट्राई करते हैं। और भाई वहाँ पे एक पोकेबॉल रखी, कैसे जाएंगे? अगली सिटी में होगा गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। चलो पेस्टोरिया सिटी के लिए रवाना होते हैं। ओके गाइस मैं रास्ते में हूँ अभी पेस्टोरिया सिटी के, यहाँ से चलते हैं भाई। अगर आगे रास्ता है तो वहाँ से पहले यहाँ पे पोकेबॉल मिलेगी, बाद में वहाँ जाना ठीक है। ग्रास में तो चल ही नहीं सकती मैं अभी, क्या चूमूँ? अबे यार ये ट्रेनर्स बैटल स्किप करने काश कर सकते, करने में कितना मज़ा आता मैं ये बोलने वाला था, लेकिन काश कर सकते, यहाँ से नहीं जा सकता। अबे यार हाँ गाइस मैंने ले ली बॉल, इतनी मुश्किल से मिली, और मुझे पता चला एक दूसरी बॉल भी लेनी पड़ेगी। यहाँ से जा रहा हूँ भाई अब चोमुओं की तरह, साइकिल इतने छोटे रास्ते में मैं चला रहा हूँ, मुझसे बड़ा कोई चोमू है? गाइस वो बॉल भी ले ली, और मैंने सोचा आगे का रास्ता है तो पक्का आगे जाना होगा। और फिर मैंने मैप में देखा तो मैप भी यही बता रहा था कि आगे जाना है। वेलर लेक फ्रंट, ये क्या है भाई, नाम तो काफ़ी अच्छा है। तो नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि किसी लेक का सामने वाला पार्ट है, हिस्सा है। समझ जाओ यार तुम लोग, इतना दिमाग तुम में है। गाइज तुम लोग वो पेड़ की शेडो देख रहे हो, वो एक फॉरेस्ट है, आई एम डैम श्योर वो एक फॉरेस्ट है। एक बार टाउन मैप से देख लेते हैं। ओके तो अपन को उस साइड नहीं जाना, देखो फॉरेस्ट के मार्क भी हैं जहाँ पे पेड़ हैं, आई थिंक वो फॉरेस्ट होते हैं गाइज,
मुझे नहीं पता लेकिन लग रहा है वो फॉरेस्ट है, और अपन को नीचे जाना है तो पेस्टोरिया सिटी नीचे होगी। फिर भी इन साइंटिस्ट अंकल से बात करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक पोकेबॉल है, पोकेबॉल पहले लेंगे, बाद में साइंटिस्ट अंकल से बात करेंगे। यार मैंने 4-5 वीडियो पहले बोला था कि मैं पोकेबॉल को आपसे हेडन आइटम बोलूँगा, लेकिन आज तक नहीं बोला। भाई क्या करूँ क्या करूँ, मैं हूँ आदत से मजबूर। ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आदत से मजबूर। भाई वही है, आदत से मजबूर हूँ मैं। ओके, यहाँ पे रिजॉर्ट एक, हाँ अच्छा ये भी व्हीलर लेक फ्रंट है, लेकिन गाइज एक रिजॉर्ट है इतना मुझे पता चल गया, और कुछ काम का नहीं है। मैंने गाइज घूम लिया, पूरा तो नहीं घूमा लेकिन जितना घूमा उससे अभी कुछ काम का नहीं है। आई थिंक यहाँ पे 3-4 पोकेबॉल होंगी, यहाँ से तो रास्ता है नहीं। अच्छा वहाँ से जाना है गाइज, देखो पूरा रास्ता वहाँ से जाना है। फिर भी एक बार टाउन मैप चेक करते हैं। भाई पेस्टोरिया सिटी बगल में, यहाँ से तो जा नहीं सकते, ठीक है वहीं से घूम के जाना पड़ेगा। यार बहुत दिमाग, हाँ देखो यहीं से जाना है। ओके Route 213, ओके यहाँ पे चलते हैं, इन दीदी से बात करते हैं। अरे यार बात करो ना। अच्छा बस मुझे, अरे यार क्या इंसान है ये यार, 18+ कंटेंट बना रहे हैं यार। नहीं इनने वैसा कुछ बोला तो है नहीं, हाँ ठीक है 18+ कंटेंट नहीं बनाया, फिर भी ऐसे नहीं बोलो यार, तुम इतने अच्छे रिजॉर्ट का ऐसे बेइज्जती कर रहे हो। चलो यहाँ, ओके तो यहाँ से जा सकते हैं हम लोग पेस्टोरिया सिटी, और यहाँ पे अंदर चलते हैं। मैं भी ना हिंदी भी बोल रहा हूँ। ओके मोटे अंकल से एक सेकेंड, डॉक्टर फुटस्टेप और ये फुटप्रिंट्स के बारे में कुछ बता रहे थे और लग्जरी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ओके मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, फालतू होगा ना इसलिए। आगे चलते हैं, इन दीदी से बात करते हैं। वहाँ पे पोकेबॉल है, रॉक स्मैश से लेनी पड़ेगी आई थिंक, है ना। हाँ चलो रॉक स्मैश करते हैं। ओके यार इन लोगों ने बिडू को ऐसा हटाना तो चाहते नहीं थे गेम से, क्योंकि पहले सबको रखना पड़ता था बिडू। अभी एरिया लिस्ट हाँ है मेरे पास। हाँ गाइस एक चीज़ बताना था, स्टार्क एरिया लिस्ट सीख गया। हाँ अबे यार मैं यही बता रहा था कि बिडू को कोई रखता तो है नहीं अब, तो इनने वो हिडन आइटम के लिए बिडू को दिखाना स्टार्ट कर दिया ताकि बिडू को कोई याद रखे। रॉस्ट बेरी, ओके। और तुम लोगों ने देखा था एक गेम के रिलीज के 1-2 हफ्ते बाद उन लोगों ने एक एनिमेशन स्टोरी भी डाली थी बिडू पे, भाई बहुत मस्ती वो सच में, और एनिमेशन क्वालिटी तो और ज़्यादा, लेकिन स्टोरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। अरे गाइस तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, सामने मैप लगा है, क्या ऐसे छोटे मोटे जो टनल आते हैं सारे में मैप लगा रहता है। तो हम लोग पेस्टोरिया सिटी पहुँच गए, और एज आई थॉट यहाँ पे भी टीम गैलेक्टिक के बंदे। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।